सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. समर 17 क्वेश्चन नंबर 4 इट मे बी क्वेश्चन नंबर नहीं पता ओके 14 मार्क्स फाइंड शेप फैक्टर फॉर फॉलोइंग फिगर. फोर जीरो एम एम. Then 2 0 2 0 8 0 तक 80 mm that is 20 mm again here is 20 here is 20 20 20 There is 20 mm, फिर यहाँ से यहाँ तक 80 mm, ये 20 mm, ये 40 mm. After that, इट इज देखे नहीं आई है लेकिन इट इज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल अगर है तो ये कितना है 20 + 20 + 20 इट इज 60. 60 डिवाइड बाय 2 इट इज 30. रेडियस डायमीटर इट इज 60 देन रेडियस इट इज 30 ओके. सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. Okay, it's look like key. Okay, key जैसी दिख रहा है. So आपको क्या करना है अभी? सबसे पहले यहाँ पे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपको फाइंड करना है. So जब भी हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इक्वल एरिया एक्सिस. आई वॉन्ट टू फाइंड इक्वल एरिया एक्सिस. ओके, सो स्टेप नंबर वन. ओके, आप क्वेश्चन अच्छे से लिख लो. ये 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है. ओके, दैट इज टोटल यहां से लेके यहां तक 100 है. ये 100, 20 प्लस 80 इट इज नथिंग बट 100. 30 mm का रेडियस, ओके, इट इज नथिंग बट 60 mm इट इज डायमीटर. ओके, एंड ऊपर का 80 mm, 80 mm फ्लेंजर. ओके, सो सॉल्यूशन स्टेप नंबर वन. Step number one. Plastic section modulus. ZP. Plastic section modulus. इसमें सबसे पहले equal area axis find करते हैं. Finding
इक्वल एरिया एक्सिस, इक्वल एरिया एक्सिस यानी अबोव द एक्सिस एरिया इज सेम एंड बिलो द एक्सिस एरिया सेम, यानी एरिया ऑफ कंप्रेशन अबोव द इक्वल एरिया एक्सिस इज कंप्रेशन, बिलो द इक्वल एरिया एक्सिस इज टेंशन. तो कंप्रेशन एरिया इज इक्वल टू टेंशन एरिया, इक्वल एरिया एक्सिस में कंप्रेशन एरिया इज इक्वल टू टेंशन एरिया, ये आप बोल सकते हैं. ओके, सो अबोव द इक्वल एरिया एक्सिस इज एंड बिलो द इक्वल एरिया एक्सिस इज नियर अबाउटली यानी इक्वली सेम. ओके, सो सबसे पहले वी फाइंड टोटल एरिया, we find total area. So total area divided by 2, it is nothing but a equal area. मैं बोल सकता. So equal area axis मेरा कहाँ से पास हो सकता? Equal area axis मेरा यहाँ से पास हो सकता, यहाँ से पास हो सकता. तो मैं क्या करता, मैं पूरे diagrams को एक अलग अलग numbering दे देता, अलग अलग numbering दे देता और उसके हिसाब से मैं क्या कर लेता कि मैं मेरा centered कर लेता. अब यहाँ से मैं top से करता, bottom से मैं करूँगा तो क्या problem होगा, मुझे r माइनस 4r बाय 3 पे करना पड़ेगा. बॉटम से अगर मैं करूंगा तो r माइनस 4r बाय 3 पे करना पड़ेगा, तो दैट इज टिपिकल, थोड़ा दिक्कत जाएंगे अपने को. ओके, अगर मैं बॉटम से गया तो मैं ऊपर से इसको ऊपर से सॉल्व करूंगा. ओके, ऊपर से सॉल्व करूंगा ये प्रॉब्लम. सो सबसे पहले मैं इसको नामकरण दे देता, दैट इज 1, दैट इज 2, 3 एंड दैट इज 4. 3 अप टू दिस, तो 4 एरिया आपके पास यहाँ पे है. अभी वो 4 ही एरिया है, लास्ट क्वेश्चन में भी 4 ही एरिया थे, यहाँ पे भी 4 ही एरिया. ओके, सो A1 80 × 40 अचुक 32, 32 mm square. ओके, 32 mm square. अब यहाँ पे अगर आपने y1, y2, y3 भी लिख लिया तो यहाँ पे आपका काम बन जाता, आपको फिर से इसमें जाने की जरूरत नहीं है. क्या मैं आपने यानी न्यूट्रल एक्सिस भी अपन यहाँ पे भी निकाल लिए तो ZE में आपका टाइमिंग बच जाता. अगर आप गेट के लिए सॉल्व कर रहे हो तो न्यूट्रल एक्सिस भी आप यहाँ पे ही निकाल रहे हो तो बेटर रहेगा. ओके, अगर मैं टॉप से ही करूँ तो मेरा y1 भी क्या हो जाता, y1 भी मेरा हो जाता यहाँ पे, इट इज माई ट्वेंटी एम एम. ओके, तो वो मेरा न्यूट्रल एक्सिस के लिए भी काम में आ जाएगा. न्यूट्रल एक्सिस जब मैं निकालूंगा नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल एरिया एक्सिस अभी मैं निकाल रहा हूँ तो एरिया अबो एंड बिलो निकाल रहा हूँ, लेकिन जब न्यूट्रल एक्सिस में आप निकाल रहा जेड ई में मैं न्यूट्रल एक्सिस निकालता हूँ. तो अगर आपने यहाँ पे ही निकाल लिया उसको इसके साथ में तो भी चलेगा, या फिर वाई वन वाई टू वाई थ्री आप यहाँ पे निकालो, कैलकुलेशन आप जेड ई के टर्म में करो, कोई दिक्कत नहीं है. A2 हाफ ऑफ बेस into height into twice. Why I am taken twice? 2 hai. Okay. That's why 2 get cancelled. 2 get cancelled. So kya hoga? Four double zero. Among square. Okay. What is Y2? 40 plus. मैं यहां से लू या यहां से लू, यहां से यहां तक मेरा 2/3 रहता है और यहां से यहां तक मेरा 1/3 रहता है. सो 1/3 of 20, 1/3 of 20. ओके, 1/3 of 20. ओके, सो व्हाट इज 1/3 of 20? 46.66 आई थिंक. सो सही है क्या, इज इट करेक्ट? सही है क्या बाबा? फ्रॉम टॉप, हाँ फ्रॉम टॉप फाइबर. सही है क्या वो 46.667? हाँ सर. थ्री देन, थ्री का एरिया कितना है? 20 × 100 3 × 0 2 × 0 mm square. 40 + 100/2 50 + 40 90 mm.
that is your y3. And a4, what is your a4? a4 is pi by 8 into d square. D it is 6d square, or we can say pi by 230 square. Pi square rehta na. Ab dono isse bhi kar sakte. Both are the same thing. Okay. We can use pi by 2 r square half circle ke liye, ya fir pi by 8 60 square half circle. Okay. How much this area? थर्टी इंटू थर्टी 3.14 डिवाइड बाय 2. अगर आपको करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं. पाई 3 40 प्लस 100 प्लस 4 आर बाय 3 पाई वाई 4 How much? From top fiber, top. यहाँ पे two नहीं, from top fiber कर लेना, top fiber. मैं top side से निकाल रहा हूँ. How much guys? 4. Khushbu ki de de. A4. 1413.71. 1413.71. 7. तो यहाँ पे भी same आएगा. एडिशन. अब अगर आप यहां पे एडिशन करते, 1 2 3, ये एडिशन आप ये और में है ना, नहीं तो आप इन दोनों का एडिशन कर लोगे. प्लीज दिस प्लस दिस प्लस दिस अगर आप करते तो आपको एक एरिया जो भी है वो इसके इक्वल में मिल रहा है क्या. ये देखो, सबसे पहले बड़ा एरिया आपको कौन सा दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है 3200. ओके, तो ये 2400 हो गया. 2400 प्लस दिस कितना एरिया आता है. ये तीनों का एरिया सबसे पहले ऐड करो और बताओ कितना आता. 2400 प्लस 2800 ना, कितना आ रहा. नहीं, ये 38. ओके, सो 38. ये तीनों का एरिया अगर अपन ने किया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, इट इज 38 समथिंग. ओके, 38 समथिंग आ रहा. सो मुझे एच अभी फाइंड करना है, तो मेरा एच कहाँ पे रहेगा ये मुझे सबसे पहले टेंटेटिवली देखना कि मेरा एच मैं कहाँ से लू. ओके, एच मैं कहाँ से लू. तो आप ऊपर से यानी नीचे से ऊपर अपन जाते हैं, तो सबसे पहले आपका टोटल एरिया कितना है अभी यहाँ पे गाइस. 3813.71 प्लस 3200, इट इज नथिंग बट 7. हाउ मच? 7013.71. 7 9 है 7 1 7 1. ओके, आई एम श्योर. दिस इज माई एरिया, दिस इज माई टोटल एरिया. अब मैं ए बाई टू अगर करूं तो 7013.71 डिवाइड बाई 2, हाउ मच. 3506.85 mm square. ओके,
3506.85 mm². सो 3506 मेरा ये 3200 है, मेरा ये 3200 है प्लस ये 400 कितना होगा 3600 होगा। 3600 यानी कहीं तो भी यहाँ पे ही मेरा लाइज करेंगे। देखो कैसी देखना, देखने का थिंकिंग, यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते, गलतियां कर सकते। तो वो गलतियां कैसी अपन निकाल सकते, अपन निकाल के फेंक सकते। तो मेरा ए बाई टू कितना आ रहा, 3500 आ रहा, नियर अबाउटली 3500। तो ये एरिया वन एंड एरिया टू अगर मैं गिनता हूँ, एरिया थ्री का भी कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है। सो एरिया वन और एरिया टू में ही मेरा क्या हो रहा, 3600 हो रहा, 3600 हो रहा। सो 3600 के बिलो ही मेरा ए बाई टू है। तो मेरा लाइज यहाँ पे कहीं तो भी करें, 3200 में कर रहा क्या, नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे कहीं तो भी करेगा। तो आपको हाफ कहाँ से काटना पड़ेगा, फिर आपको हाफ ये यहां से काटना पड़ेगा, यानी ये जो ट्रायंगल पोर्शन है वहां से काटना पड़ेगा, ट्रायंगल पोर्शन है यहां से आपको काटना पड़ेगा। तो ये मेरा एक एच है सपोज, तो ये एच मैं पूरा पकड़ता हूं, तो यानी दैट इज माय वाई सी पकड़ता हूं, दैट इज माय एच पकड़ने से बेटर है दैट इज माय वाई सी। तो ये मेरा यहां से यहां तक मैं एच पकड़ता हूं। तो वाई सी इट इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी इट इज इक्वल टू नाउ वाई सी इट इज इक्वल टू एच प्लस 40, दैट इज आवर वाई सी, ओके एच प्लस 40। तो वो जो कटा वाला पोर्शन है वो अपन यहां पे लिख लेते तो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा, ओके कटा वाला पोर्शन। ओके दैट इज योर एच, दैट इज योर एच। आप बोलोगे सर ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ऑब्वियसली ये आपको एक ट्रेपेज़ॉइडल जैसी दिखेगा। अब देखो, अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल मेथड का भी मुझे यूज करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल मेथड का भी मुझे यूज करना पड़ेगा। मैं नीचे का भी ले सकता, ऐसी जो जरूरत नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ का लिया, मैं वाई सी का भी ले सकता, वाई टी का भी ले सकता, वी कैन यूज दिस वाई टी भी मैं यूज करके कर सकता, दोनों भी ईजी ही जाते हैं। ओके आप ऊपर का भी लो नीचे का भी लो, दोनों भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इक्वल एरिया एक्सिस ही चाहिए मुझे, ई ए ए ही चाहिए जो मेरा यहाँ से पास होगा, वे भी मैंने कैसे कंसिडर किया, इससे देख के मुझे मैंने कंसिडर किया, ओके कि यहाँ से पास होगा, कहाँ से पास होगा, ये ट्राइंगल से पास होगा। ये मैंने कैसे कंसिडर किया, ये एरिया देख के कंसिडर किया, क्योंकि ये 3200 है, 3200 के नीचे ही आएगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूंगा ये ट्राइंगल का एरिया अगर पकड़ के मैं करूंगा तो कितना होगा, 3200 प्लस 400 यानी 3600। तो 3600 से कम है यानी 2 के सेक्शन में ही रहेगा मेरा, कटेगा मेरा सेक्शन, ये 100% गारंटी है। ओके सो इसलिए मैं ऊपर का भी ले सकता और मैं नीचे का भी ले, ऊपर का लूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही एरिया है, नीचे का भी लूंगा तो भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही एरिया है। कैसी, ये 2, ये 1 और ये 3, ओके दोनों करोगे तो भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ेगा, यानी सर्कल है इसलिए, ओके दोनों हिस्से आप कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे जब मैं ट्रेपेज़ॉइडल के लिए जा रहा, सो आई एम गोइंग थ्रू ट्रेपेज़ॉइडल, ट्रेपेज़ॉइडल के लिए जा रहा, तो ये आपको ये विड्थ आपको चाहिए, ये विड्थ आपको चाहिए, तो ये एच के लिए ये विड्थ कैसी रहेगी, तो ये वाई के लिए ये 20 है, तो ये x के लिए ये y है, ओके इस तरह आप निकाल सकते। सो हाउ कैन आई टेक दिस, टुक दिस, ओके देखो ये 20 के लिए ये 20 है, ओके सो ये y के लिए ये x है और ये मेरा h है, ओके तो y इट इज इक्वल टू 20 माइनस h लिख सकता हूँ, y इट इज इक्वल टू 20 माइनस x लिख सकता हूँ, ओके 20 माइनस एच। तो अभी मुझे y के लिए क्या निकालना है, यानी x निकालना है, तो x फॉर y इट इज इक्वल टू 20 फॉर 20, इट कैंसिल, सो y इट इज इक्वल टू x इट इज इक्वल टू y इट इज इक्वल टू 20 माइनस h, यानी ये क्या रहेगा आपका 20 माइनस h रहेगा, ओके दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 माइनस h डिस्टेंस,
and this distance is equals to again 20 minus h distance, 20 minus h. Okay, this distance is equals to again 20 minus h. Okay, both the distance 20 minus h. Okay, so abhi agar main iska area karta hu, area karta hu, this area plus this area, yani ac, it is equals to 3506.86, that is equals area. अगर मैं करता हूँ, AC मुझे अगर चाहिए है, वो H चाहिए मुझे, so मैं कैसे करूँगा? देखो, H चाहिए है मुझे, H, AC तो मुझे पता है, तो this 3200, A1 मेरा क्या रहेगा? 3200 plus A2, A2 मेरा कितना है? अभी plus A2, A2 is equals to A plus B divided by 2 into H. Yes, this is the formula. A कितना है मेरा? 20 plus 20 plus 20, it is 60. 60. Plus A plus B. B it is what? 20 minus H into 2 minus plus 20. Okay. यानि B क्या है मेरा? B मैं बोल सकता. यहाँ पे मैं थोड़ा इधर लिख लेता. जगह AC it is equals to 356.85, it is equals to 3200 plus A plus B by H, A plus B by 2 into H. Okay, so मैं यहाँ पे लिख लेता. Okay, यहाँ पे लिख लेता मैं, क्या हो जाएगा? 3200 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाने के बाद कितना आएगा यहाँ पे? वैल्यू आएगी मेरी 306.85. माइनस कर दिया मैंने. अब ए, ए की वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूँ तो दैट इज 60. बी की वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूँ तो वो वैल्यू क्या है मेरी? 2 इंटू 20 माइनस एच प्लस 20. 2 इंटू क्यों किया? दिस ट्वाइस है करके. ओके, that is a plus b divided by 2 into h. What is h? What is h, guys? What is h? अरे क्या आता बाबा एच, बताओ. कैलकुलेटिंग कर रहे हो क्या आप अभी तक? दैट इज ए, दैट इज बी by 2 into h. Okay, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो. गेट में आप इस तरह का कैलकुलेशंस आपको मैन्युअली करना पड़ता. सो आई होप सो कि मैं मैन्युअली भी आपको बता पाऊँ. देखो, सिक्सटी माइनस एच स्क्वायर 306.85. सो 60 माइनस में चले जाएगा, सो इट इज आवर दिस वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस आ रहा है वहां पर.
346.85 that is equals to h under root minus how much this value ये आप गेट में सॉल्व कर सकते हैं इसे h अगर आपको गेट में सॉल्व करना है तो व्हाट इज h गाइस हेलो आप बताओगे नहीं तो मुझे समझेंगे कैसे दैट इज 18.62 इट इज करेक्ट वैल्यू ओके इट्स नॉट इमेजिनरी वैल्यू इट इज करेक्ट वैल्यू 18.62 ओके 18.62 एमएम सो व्हाट इज वाई सी 40 प्लस 18.62 इट इज नथिंग बट गाइस हाउ मच 58.62 एमएम ओके अब मुझे जेड भी निकालना है अब मैं सिंपल वाई टी निकाल के भी मैं निकाल सकता डायरेक्टली वाई सी तो मेरा निकल गया वाई सी निकल गया तो वाई टी क्या रहेगा मेरा वाई सी है क्या ये दैट्स नॉट अ वाई सी ये टोटल यानी टोटल वाई है वाई सी नहीं है ये टोटल वाई है इक्वल एरिया एक्सिस फ्रॉम इट्स नॉट अ वाई सी प्लीज इसको वाई सी मत बोलो इट इज वाई फ्रॉम टॉप y from top y from top so that is y from top okay y from top is tarah main bol sakta okay ab mujhe yc nikalna hai to mujhe isko half karke yani iska mujhe cg bhi nikalna padega cg nikal ke mujhe karna padega okay so mere do calculations alag alag aayenge to usse better thi क्योंकि उससे बेटर मैं क्या कर सकता मुझे जब भी मुझे ये निकालना है ZP निकालना है तो ZP के लिए मेरा दूसरा भी फॉर्मूला है दैट इज 2ZP ओके ये आपका इक्विलेटरल एक्सिस है y फ्रॉम y टॉप फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस ओके सो ZP इट इज इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस गोज ऑन डायरेक्टली निकाल सकता और a बाय टू वाई सी प्लस वाई टी इससे भी आप जा सकते बोथ आर द सेम थिंग ओके बट इट इज सो सिंपल एंड सो इजी हाउ अभी आपने दो इसमें अभी डिवाइड कर दिया अभी मैंने क्या बोला था ये एक है ये दो है ये तीन है तो अभी इसके इस तरह आपके ये निकल जाएंगे यानी ये निकल जाएंगे कि अभी आपका 1 2 3 ऐसी मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे ये फिर से रिड्रॉ करनी पड़ेगी डायग्राम कि मुझे मेरा ये जो 2 है ये ऊपर हो गया और ये 3 वाला 3 और 4 ये मेरा नीचे ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ ओके सो ऊपर और नीचे मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा तो मेरा ये जो है ये मेरा बी ये मेरा बी ये मेरा बी मेरा क्या है बी इट इज माई सबसे पहले आप बी निकाल लो बी इट इज माई 2 × 20 माइनस एच प्लस 20 दैट इज 2 × 20 माइनस 18.62 प्लस 20 हाउ मच 18.62 ही आया था ना वन मिनट देख लेता हूँ सर 3506.85 आया ना अरे बाबा 18.62 नहीं है तेरे 58.70 है ना क्या 58.70 एच 5.64 इनटू एक्स राइल नहीं थे डायरेक्ट कसा का करू शकतो मैं डायरेक्ट नहीं करू शकत मी वन मिनिट मी चुकवला इथे
हा 120 बरोबर आहे, 120 तर तो राहणारच, 120 नाही राहिला ना, हा 60 इकडे चालला जाईल. वन मिनिट गाइस, वन मिनिट, हे चुकलाय. 60 माइनस हो जाएगा, 60 भी माइनस नहीं होगा. 60 कैसे माइनस होगा, 60 भी माइनस नहीं होगा. 120 इंटू एच रहेगा वो. ओके, 120 माइनस 5h इंटू एच डिवाइड बाय 2, तो मैं इसको 60h बोल सकता, माइनस एच स्क्वायर बोल सकता, इस तरह बोल सकता, ये 60h है. ओके, तो अभी मुझे अगर सॉल्व करना है तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा इसको. ओके, 306.85, इतना इजी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर सॉल्व करूंगा मैं तो ये कितना आ रहा अभी, 3506. हां, 3506.85. हे 350 येत आहे का, 350.85 माइनस 32 केलं ना रे बाबा, 3200 माइनस केलं ना, तर मग किती येणार ते, 306.85 येणार ना. खुशबू किती आलाय तुझा, एच 5.64. यस एक्झॅक्टली 5.64 एम एम, 5.64 एम एम. ये आपको अगर निकालना है तो ये आप इस तरह निकाल सकते, बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन yc, इसे आप निकाल सकते. ओके, सो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5.64, दैट इज नथिंग बट 45.64. ओके, 45.64 हो जाएगा, दैट इज योर 45.64. तो अभी यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, 5.64. व्हाट इज माय बी नाउ, 5.64. What is my B now? B. B यहां से यहां तक का है, that is A. I'll consider A, it is 60 and B. ये B, ये B मैंने निकाला है यहां पे. तो B कितना रहेगा guys, please give me the answer. 48.72 mm. Okay. So this distance it is 48.72. Okay. So redraw this diagram for this formula. ये formula use करने के लिए, या फिर आप yc और yt भी निकालने के लिए. Okay. बट वाईसी वाई टी निकालने की जरूरत नहीं रहेगी आपको. क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्टली आप a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस a4 y4 से डायरेक्टली निकाल सकते हैं zb. ओके, वाईसी और वाईटी निकालने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको पूछा ही है कि वाईसी और वाईटी निकालो, तो आप जैसे मैं प्रीवियसली अपन करते आ रहे थे उसी मेथड से अपन जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. दो मेथड मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ ईजी करने के लिए. ओके, यहाँ का आपका जो है दैट इज योर 48.72 तो मैं इसको 1 पकड़ता, इसको मैं 2 पकड़ता, इसको मैं 3 पकड़ता और इसको मैं 4 पकड़ता. अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो भी है मेरा,
ये मेरा इक्वल एरिया एक्सिस, इक्वल एरिया एक्सिस से आपको सभी वाई होना, सो दैट इज माई वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, सॉरी वाई वन, वाई थ्री एंड वाई फोर. एरिया ए वन 3200 वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ए टू, अब ए टू आपको कैसे निकालोगे आप, ये 60 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है. ओके 60 प्लस 48.72 ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इंटू एच, एच एच इट इज हाउ मच, एच एच इट इज 4.5.64 दैट इज ए टू, दैट इज ए टू. और यहाँ पे वाई वन अगर मैं करता तो 5.64 प्लस 40/2 यानी 20.5.64 mm, दैट इज वाई वन. वॉट इज वाई टू, वाई टू इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अपोजिट, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू एच, तो ऐसे मेरा वाई टू निकलेगा. सो वाई टू इट इज इक्वल, हाँ बोलो, वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, हाँ वन मिनट. नाउ अभी सर थोड़ा टिल्ट करो. ओके अभी दिख रहे सर. ओके सो 2 इंटू 60 प्लस 48.72 डिवाइड बाय 60 प्लस 48.72 इंटू आप करोगे 5.64. ओके व्हाट इज A3, A2, व्हाट इज A2? Y3 और Y4 को मुझे और स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नीचे और एक ट्रेपेज़ोइडल एंड ट्रायंगल, ट्रेपेज़ोइडल एंड रेक्टेंगल आ रहा है, तो मैं इसको ही, इसको मैं क्या कर लेता, अगेन दिस इज पुट इट Y3 एंड दिस इज Y4 एंड यानी सॉरी 4 एंड 5, यानी ये 80 मेरा क्या रहेगा, 80 मेरा Y4 रहेगा, और ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 20.5.64 रहेगा, दैट इज 14.36 mm. ओके ये मुझे स्प्लिट करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया निकालने के लिए और सेंट्रल निकालने के लिए प्रॉब्लम जाएगा आपको, इसलिए डायरेक्टली आप स्प्लिट कर दो. हाउ मच A2? 306.59 क्यों पूछ रहे, बोलना सर यही तो है बोलना है तो सॉरी हाँ A3 एंड Y2 व्हाट इज Y2 8.75 फ्रॉम न्यूट्रल एक्स, ये क्या है, ये मेरा फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस से, नॉट फॉर फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम नहीं है, इक्वल एरिया एक्सिस से है वो. ओके सो दैट इज हाउ मच, 8.73 कैसे क्या 8 पॉइंट रहेगा, 5.64 ही है तो उसके 64 के नीचे ही रहेगा, गलत है, 8 पॉइंट समथिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट कितनी है, 5.64 है, तो उसके नीचे ही रहेगा, ट्वाइस ऑफ अपोजिट प्लस नियरर डिवाइड बाय अपोजिट प्लस नियरर इनटू एच बाय 3, यहाँ पे 3 कर दो प्लीज, मैंने ही गलत लिखा, एच बाय 3, एच नहीं है एच बाय 3, फॉर्मूले में ही लिखो एच बाय 3, 2.92 mm, ओके ये हो सकता है, 2.92 mm हो सकता है. ओके
नेक्स्ट y3 अगेन वन टाइप ऑफ ट्रापेज़ॉइडल y3 नीचे वाला y3 ट्रापेज़ॉइडल सो a3 एरिया 3 ये वाला ट्रापेज़ॉइडल आपका ये 20 है ये 48.72 है और ये 14.36 है ओके सो इट इज a3 48 यहाँ पे न्यू इक्वल एरिया एक्सिस है ई ए ए ओके 48.72 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इनटू एच 14.36 और y3 इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी ए नहीं यहाँ पे बी रहेगा क्यों बी रहेगा ये बी नीचे का ले रहा ना ट्वाइस ऑफ अपोजिट बी प्लस ए इंटू एच बाय 3 सो अभी एच नीचे वाला दैट इज योर एच ओके सो y3 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 48.72 डिवाइड बाय 20 प्लस 48.72 इंटू एच बाय 3 एच इट इज 14.36 डिवाइड बाय 3 वाई एरिया देन ए 4 then a 5 by 230 स्क्वायर ये निकाल के था अपना निकल के था 20 इंटू 80 160 स्क्वायर y4 14.36 प्लस 80 बाय 40 प्लस 14 14.36 प्लस 80 प्लस 4 आर बाय 3 पाई हाउ मच दिस 2 And last one. बहुत बेकार लग रहा है क्या क्वेश्चन बेकार है ही 14 मार्क के लिए 5 अंक नहीं है 14 मार्क फ्री में तो नहीं देंगे आपको थोड़ी छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी आपको 0 मार्क्स ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं है 0 स्टेप मार्किंग नो स्टेप मार्किंग ओके वी वॉन्ट करेक्ट आंसर हाउ मच a3 एंड a4 a3 एंड y3 एंड a5 एंड y5 ऑल्सो a5 तो मैंने निकाला था 13.78 आई थिंक सो 72 हाउ मच दिस a3 493.41 mm स्क्वायर इन दोनों का अगर ऐड करूंगी आप इसका और इसका तो आपको क्या मिलेगा 800 एरिया मिल रहा है ओके तो बराबर है 800 एरिया क्यों क्योंकि ये 400 है आपका ये वाला आपका 400 है प्लस 20 इंटू 20 दैट इज अगेन 400 प्लस 400 दैट इज 800 करेक्ट है ओके व्हाट इज दिस
6.17 ओके 6.178 और ओनली वी 6.17 9.17 ओके अमम 6.179 एंड व्हाट इज वायर 5 4r/3π कैसे 4r/3π यहां से अगर आप करोगे तो 4r/3π ये आपका सीजी निकलता ओके यहां से यहां से अगर आप देखोगे ये बॉटम से अगर देखोगे तो r-4r/3π दैट इज योर सीजी ओके तो आप बोल देंगे सर r/2 रहेगा ये नहीं रहेगा सीजी ओके r/2 नहीं रहेगा 4r/3π ओके r/2 कहां से रहेगा r/2 यहां से रहेगा दैट इज योर r/2 यानी ये जो भी सीजी आएगा वो कहां पे आएगा r/2 पे आएगा हाफ सर्कल का अगर क्वार्टर सर्कल है तो दोनों 4r/3π 4r/3π रहेगा अब बस दिस बताओ जल्दी जल्दी 107.09 Amam, from equal area axis. So ZP, that is equal, sida sida, A1, Y1, plus A2, Y2, plus A3, Y3, plus A4, Y4, plus A5, Y5. खत्म डायरेक्ट और a/2 इनटू आप ये भी निकाल सकते हैं yc और yt भी निकाल सकते हैं उसके बाद भी आप सेम कर सकते हैं वो आपको होमवर्क है वो आप घर पे करो ओके yc और yt आप घर पे करो डायरेक्टली आप ये आंसर बताओ अभी ये आंसर आपका क्या था ओके तो ये आंसर यानी a1 y1 a2 y2 a3 y3 a4 y4 a5 y5 डायरेक्टली व्हाट इज zb आपके पास यहां पे ये this into this plus this into this plus this into this plus this into this plus this into this khatam that is easier than calculating yc and yt avach जल्दी 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 फास्ट 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 क्योंकि मुझे बाद में दूसरा भी कैलकुलेशन करना है दूसरा कैलकुलेशन अगर मैं नहीं करूंगा तो जल्दी सॉल्व नहीं होगा थ्री पॉइंट टू फोर इंटू टेन रेस पर फाइव 3.24 into 10 to the power 5 correct answer hai Prachin okay so we'll make it 0.324 something else hai kya samne 3.24 ke samne kuch tha kya aur 36 into 10 to the power 6 mm raised to the power cube ओके इस तरह मैं लिख सकता हूं दैट इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल मूव फॉर ओके कैन आई रीच दिस पार्ट यस सर ओके वी विल मूव फॉर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस Elastic section modulus. Step number 2.
IMAX by IMAX. तो सबसे पहले आप y निकाल, सेंट्रोइड निकाल. तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग सेंट्रोइड फ्रॉम टॉप फाइबर. क्यों टॉप फाइबर? क्योंकि मैंने y1, y2, y3, y4 ये टॉप फाइबर से लिया था. ये जब मैंने 1, 2, 2, 2, 3, 4 ऐसे कंसीडर किया था तब मैंने ऊपर से लिया था. रीड्रॉल द डायग्राम फिर से. That is 1, 2, 2, 3, and 4. So I want neutral axis. So y top a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 plus a4 y4 from top divided by total area. तो लास्ट जो पहली स्टेप थी, पहली स्टेप में मैंने a1, y1, a2, y3 ये मैंने लिख लिया था. जब मैं इक्वल एरिया मैंने निकाला था, इक्वल एरिया वाला कैलकुलेशन है, वहाँ पे ही मैंने कैलकुलेशंस पूरे पूरे ये कर लिए थे. ओके, सो व्हाट इज माय y टॉप नाउ? व्हाट इज a1, 3200 इनटू y1, इट इज 40/2, 1d प्लस व्हाट इज a2? a2 इट इज 400. What is y2? y2 कितना था मेरा? ये 1/3 मैंने किया था. 40 + 1/3, 40 + 20/3 ये मैंने किया था पहले ही कैलकुलेशन में, पहले ही स्टेप में. मैं जब पहला लिख रहा था तभी मैंने लिख दिया था आपको. सो दैट इज 46.66. प्लस व्हाट इज a3? 100 × 20, 2000 into 2000 into what is the y3? y3 it is equals to 40 plus 100 divided by 2 it is nothing but 90 plus last it is this 1413.72 into What is last? वो लास्ट कैलकुलेशन मैंने निकाला नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिख के रखा था कितना है लास्ट कैलकुलेशन, वो मुझे बता दो y4 कितना है. 40 plus 100 plus 4r/3π, that is y4. Okay, 40 plus 100, 140. 140 plus 4, 30. 4 into 30 divided by 3π. What is answer? Divided by, यहाँ पे मैं y top इस तरह लिख सकता हूँ, divided by 70. कितना था टोटल एरिया? 7013.72 दैट इज माय वाई टॉप डायरेक्ट. व्हाट इज वाई फाइव? सॉरी वाई फोर. व्हाट इज वाई फोर? 152.73 दैट इज वाई फोर. हाउ मच?
What is y top? Sixty-eight point two four. Correct answer. Okay, that is y top 68.24. अब यहाँ से 68.24 मीटर mm पे आपका न्यूट्रल एक्सिस है 68.24 कहीं तो भी यहाँ पे आ रहा दैट इज न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस ये मेरा पहला मेरा y1 था सेकंड इट इज y2 y3 y4 So, what is a y bottom? Y bar bottom. Total height. Total height it is 100 plus 40 minus 40. 100 plus 40 plus 30. Okay. 100 plus 40, 140 plus 30, 170 minus 68.24. That is nothing but that is y. Bar top, that is total height. 170 minus 68.24, it is 101.76 mm. That is your y max. That is your again y max. ये क्या रहेगा मेरा y bottom? It is nothing but my y max. Okay, आपको y max by y max चाहिए, तो that is your y max. बट मुझे जब मैं न्यूट्रल एक्सिस के मैं क्या निकालूंगा मैं आई एक्सिस निकालूंगा या फिर आई न्यूट्रल एक्सिस निकालूंगा तो मुझे मैं वाई टॉप ही करूंगा क्योंकि मैंने वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर ये जो भी निकाले हैं ये टॉप से निकाले दैट्स वाई. सो कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया about neutral axis by using parallel axis theorem nahi bhi likha to bhi chalta parallel axis theorem ek pata ye parallel axis theorem se hi nikalne wale hai perpendicular axis theorem se nahi nikale perpendicular axis theorem se kya nikalte r nikalte r nikal ke apan karte यहाँ पर डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही करने वाले इंटीग्रेशन में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ज्यादा ओके पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही करने वाले. सो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस बी डी वन वन क्यूब बाय 12 प्लस ए वन वाई बार टॉप माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस प्लस अब यहाँ पे क्या रहेगा बी एच क्यूब बाय 36 बी एच क्यूब बाय 36 बी एच क्यूब बाय 36 ट्रायंगल है 36 इनटू प्लस ए टू वाई टॉप माइनस वाई बार टॉप माइनस वाई वन ये जगह अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई टू का स्क्वायर प्लस अगेन बी डी क्यूब बी डी क्यूब बाय 12 प्लस ए थ्री वाई टॉप माइनस वाई थ्री का स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस इन टर्म्स ऑफ आर में और इन टर्म्स ऑफ डी में बहुत इसमें फर्क है पाई by 128 d raised to the power 4 it is in r it is in r pi by 8 r raised to the power 4 it is in r radius okay so aapko pi by 4 mein agar karna hai
तो आप वो भी कर सकते हैं, पाई बाय फोर यानी आर आर के इसमें भी आप कर सकते हैं, और वी कैन से अगर मैं डायमीटर की इसमें करता हूँ तो पाई बाय 128 डी रेस टू द पावर 4 डी रेस टू द पावर 4 ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। आपको जिस हिस्से जाना है आप उस हिस्से जा सकते हैं। मैं पाई बाय मैं हरदम डी के से जाता पाई बाय 128 64 इंटू पाई बाय 64 इंटू डी रेस टू द पावर 4 है ना, तो उसको ट्वाइस कर दो तो रेस टू द पावर 4। ये भी कैसी है, इसकी भी एक थ्योरी लगे तो मैं बता देता, पाई बाय 4 आर रेस टू द पावर 4 है तो ये अगर हाफ में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 8 आर रेस टू द पावर 4 हो जाएगा। आर यानी क्या हो जाता है, डी बाय यानी ट्वाइस डी हो जाता, यानी क्या हो जाता वो आर यानी क्या हो जाता मेरा आर डी बाय 2 हो जाता। सो पाई बाय 8 इंटू डी बाय 2 रेस टू द पावर 4, तो दैट 2 रेस टू द पावर 4 इंटू 8 इट्स मूव ऑन द 128। ओके, और अगर पाई बाय 4 डी रेस टू द पावर 4 आप कर दोगे तो दैट इज 64, दैट इज 64 इंटू यानी 4 इंटू दिस 2 2 2, 2 इंटू 4 4 8 8 इंटू 16 16 इंटू 4 दैट इज 64, 16 इंटू 8 दैट इज 128। ओके, प्लस ए फोर वाई टॉप माइनस वाई फोर। ओके, तो ये आपका टोटल न्यूट्रल एक्सिस आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा आई एक्स एक्स आप बोल सकते हैं इसको आई एक्स एक्स ए वन सॉरी बी बी इट इज 80 इंटू 40 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 3200 इंटू 68.24 माइनस 20 स्क्वायर प्लस H it is 20 cube by 36 B or H it's dono same hai 36 plus 400 into ab aap bolenge sir BH cube by 36 ye jab bhi main le raha wo ek triangle ka le raha to yahan pe mujhe kya karna padega into 2 karna padega do triangles hai mere paas एरिया मैं दोनों ट्रायंगल का ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा मेरा 200 आ रहा, तो मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे ले रहा दैट इज 400। ओके, तो यहाँ पे गलती मत करना 68.24 माइनस y2 इट इज 46.667 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस ये एरेज कर सकता हूँ मैं, हो गया होगा ना आपका निकल के ये गाइस, और वी कैन मूव हियर आल्सो। ओके, वन मिनट, मूव हियर आल्सो, क्वेश्चन तो हो ही गया है निकाल के, प्लस सॉरी ओके प्लस बी डी क्यूब बी डी क्यूब बी इट इज 20 डी इट इज 100 क्यूब बाय 12 प्लस ए थ्री इट इज इक्वल टू 2000 बाय टॉप 68.24 माइनस वाई थ्री इट इज इक्वल टू 90 इसका स्क्वायर प्लस पाई बाय 128 60 रेस टू द पावर 4 वी कैन यूज ऑल्सो पाई बाय 8 30 रेस टू द पावर 4 वी कैन यूज ऑल्सो दिस। ओके 1413.72 इंटू 68.24 माइनस 152 What is
neutral axis. I about neutral axis. What is I about neutral axis? Kya tha guys? I about neutral axis. I about neutral axis or I axis. That is last question for your plastic theory. Shape factor in plastic theory. Now we move for now. Next topic it is your collapse load factor from tomorrow. कोलैप्स लोड फैक्टर के पहले अपन एसए टू का टॉपिक देख लेंगे. एसए टू इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सभी के सभी आपको सॉल्व करना है. एक एक करके निकालो क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन कैलसी में नहीं बटने वाला. इस तरह का क्वेश्चन अगर गेट में पूछे तो प्लीज डोंट टच इट. सबसे लास्ट में टच करना इसको. गेट में अगर इस तरह का कैलकुलेशन पूछा जा रहा है तो, क्योंकि यही आपका एक घंटा खा लेंगे और आपके पास सिर्फ 3 घंटे रहते हैं. 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ता है. सो 65 क्वेश्चंस 3 आवर्स, उसमें से एक घंटा अगर एक क्वेश्चन खा लेंगे तो बाकी 64 क्वेश्चन कब देखोगे. लेकिन गेट में अगर पूछेगा तो पूछ सकते हो ZP निकालो, ZE निकालो. तो वी मस्ट डू दिस ZP एंड ZE. मैं निकाल सकता, मुझे 5-10 मिनट ही लगते हैं उसके लिए. ZP के लिए तो नहीं लगे, लेकिन ZE के लिए तो 5-10 मिनट ही लगते हैं. ZE तो मैं निकाल ही सकता. इलास्टिक सेक्शन मॉडल्स how much guys? 21.088 × 10⁻⁶. 21.088 × 10⁻⁶. 21.088 × 10⁻⁶. 6 mm⁴. What is ZE? It is equals to Imax by Ymax. Imax क्या है गाइस? Imax इट इज इक्वल्स टू योर, दैट इज Imax. Ymax इट इज इक्वल्स टू द बॉटम, y बॉटम. सो 21.088 आपको होमवर्क है इसका. IYY भी आप घर पे निकाल लो. IYY इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल रहेगा तो सिमेट्रिकल डायग्राम है करके डायरेक्टली ऐसी फोल्ड हो रही है y एक्सिस से. तो आपको ये a इंटू एक्स बार माइनस x1 वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही आएगा. तो आप घर पे निकाल सकते हो उसको आराम से. 10⁻⁶ डिवाइड बाय 101.76. हाउ मच ZE? बाद में स्टेप नंबर 3. शेप फैक्टर S ZP by ZE. कितना निकलता? 0.6 तो रहने वाला है. ये दिस डिवाइड बाय दिस करो.
0.20723 207 पण घेतलं तरी चालतंय, 23 नेग्लेक्ट केलं तरी चालत. व्हॉट इज 1.56 इज द करेक्ट आन्सर. ओके इज द करेक्ट आन्सर 1.56. ओके गाइस, सो कल से हम ऐसे टू देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. फ्रॉम टुमारो ऐसे टू स्टार्ट. Flexible.